अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की सलामी जोड़ी पृथ्वी शाह और मनजोत कालरा की शानदार पारी के दम पर टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 328 रन बना डाले। कप्तान पृथ्वी शाह ने सबसे अधिक 94 रनों की पारी खेली। उनके साथ ओपनिंग करने उतरे मनजोत कालरा ने भी 86 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में टीम इंडिया के उप कप्तान शुभम गिल ने भी 63 रनों का बेहतरीन योगदान दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 329 रनों का लक्ष्य दिया। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी और लगातार अंतराल पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 43वें ओवर में 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से शिवम मवी और नगर कोटी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट चटकाए। इस तरह अंडर 19 वर्ल्ड कप का अपना पहला ही मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया। राहुल द्रविड़ की कोचिंग और पृथ्वी शाह की कप्तानी में टीम इंडिया के सामने इतिहास रचने का शानदार मौका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।